हाँ मैडम। पापा मुझे लगता है उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला है। क्या? हाँ मैंने अभी अभी होटल के बाहर पुलिस की जीप देखी है। देखो अभिनव, घबराओ मत, हो सकता है वो लोग कोई और काम से आए हो। I don't know what to do, क्या करूं मैं? देखो बेटा, हिम्मत से काम लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दरवाजे पर कोई है? देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। थक गया हूं पापा मैं इस तरह भागते भागते। प्लीज गेट मी आउट ऑफ हियर प्लीज। देखो तुम चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। किसका फोन था? गोल्डी का फोन था। वो घर क्यों नहीं आ रहा? रात हो गई है दमयंती, जाओ सो जाओ। इतने दिनों से आप दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हैं? कुछ बताते क्यों नहीं? मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है, जाओ सो जाओ। हाउसकीपिंग। क्या काम है? तौलिया बदलना था सर, 2 मिनट लगेगा। नहीं चाहिए जाओ। लेकिन सर बोला ना नहीं चाहिए जाओ। अच्छा साहब, उस सुबह की खाने की ट्रे दे दीजिए, अगर किचन बंद हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मिस्टर अभिनव शेखावत, तुम गिरफ्तार किए जाते हो। हेलो, एक अच्छी खबर है टोंग सर, अभिनव शेखावत जयपुर की लॉज से पकड़ा गया। जब्बा, इब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। करमवीर शेखावत, इब के करोगे के? पुलिस मेरे बेटे तक पहुंची कैसे? पता नहीं सर, मैंने तो पूरी कोशिश करी थी इस मामले को। कोशिश काफी नहीं है, वादा किया था तुमने 10 दिन के अंदर ये केस सुलटा दूंगा। आपका बेटा घर पे होगा, कहां गया है वो वादा? सर मैं बस, तुम्हारे बहाने सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। अब चलो थाने, अभिनव की बेल करानी है। बेल नहीं हो सकती सर। इनफैक्ट सर मैं अभी पुलिस स्टेशन होकर आ रहा हूं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनाया है उन्होंने आपके बेटे के खिलाफ सर, अब कोई उम्मीद नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? आई एम सॉरी सर, मैं अब इस केस में कुछ नहीं कर सकता। तो फिर यहां क्या कर रहे हो तुम? तमाम हो जाओ। चंदर सिंह गुंडेचा, राजस्थान के सबसे बड़े वकील, गेट लॉस्ट। पुलिस? गोल्डी को पुलिस ले गई? मेरा गोल्डी इतनी मुसीबत में था और इतने दिनों आपने मुझे कुछ बताया तक नहीं। एक बेटा तो खो चुकी हूं आपकी जिद में, अब दूसरा नहीं खोना चाहती। दमयंती, मैं गोल्डी को कुछ नहीं होने दूंगा। कैसे? आपकी आखिरी उम्मीद तो चली गई मुंह फेर कर, अब एक ही उम्मीद और है। अगर आपके दिल में हमारे रिश्ते की जरा भी अहमियत है तो अपना अहंकार भूलकर बुला लीजिए उसको। देखो अब मैं और चुप नहीं रहूंगी, वो इस घर का बड़ा बेटा है।
मुसीबत के वक्त अपना ही खून काम आता है। शायद एक बाप को अपने बेटे की जरूरत नहीं, पर एक माँ को है, एक भाई को अपने बड़े भाई की है। अभिनव, चली जाओ यहाँ से। अभिनव सुनो, मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता हूँ, पर चली जाओ यहाँ से। अभिनव तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं? क्या चाहिए तुम्हें मेरा भरोसा तोड़ने के बाद? और क्या चाहिए तुम्हें? जाओ यहाँ से। अगर आपके दिल में हमारे रिश्ते की जरा भी अहमियत है, तो अपना कार भूलकर बुला लीजिए उसको। वो इस घर का बड़ा बेटा है, मुसीबत के वक्त अपना ही खून काम आता है। केडी पाठक, क्या आप जयपुर आ सकते हैं? अगर आ सकते हो तो कल ही आ जाइए। सुबह। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो अब मेरा फैसला सुनो। आज के बाद घर तुम्हारा, ना मेरा कारोबार और ना मेरा नाम। नहीं रहे तुम करणवीर शेखावत के बेटे। चले जाओ। इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद है। बारह साल क्यों नहीं आए गुड्डू? मेरे बच्चे आ गए तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, बड़े बड़े लॉयर्स पड़े हैं मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाना भी नहीं चाहता था। तुम्हारी मां ने कसम दे दी, अगर अभी ना कहो, कहना चाहो तो कह सकते हो, मैं किसी और लॉयर को नियुक्त कर दूंगा इस केस के लिए। किस केस में? मेरे बेटे अभिनव को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। कब, क्यों, कहां, कैसे, यह सब बताने का वक्त नहीं है मेरे पास। अभिनव को टोंक रोड पुलिस थाने में रखा गया है, जाओ वहां जाकर उसे मिल लो, वो बता देगा। रुको, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। तुम्हारी जो कुछ भी फीस बनती है मेरे पीएम मिश्रा को बता देना, सुनवाई से पहले तुम्हें पूरी रकम मिल जाएगी। जो बन पड़े करो, मुझे मेरा बेटा अभिनव आजाद चाहिए। इकलौता है मेरा, आफ्टर ऑल माय ओनली सन। अभिनव,
भैया मैं फंस गया हूं, मैंने कुछ शांत हो जाओ। मैं किसी को रोना बंद कर और शुरुआत से बता क्या क्या हुआ था। बरका को आप जानते हैं ना, मेरी मंगेतर। अभी 6 महीने पहले हमारी सगाई हुई थी, वो माँ चाहती थी आपको मंगनी पे बुलाना, लेकिन पापा ये सब बातें भूल जा। क्या हुआ था ये बता। समझ में नहीं आ रही ये सब कैसे हो गया। मैं 1 महीने के बाद मेरी उससे शादी होने वाली थी, अभी 15 दिन पहले की बात है। मैंने कहा कि फिल्म भी ले जाता हूँ, उसने कहा कि नहीं मुझे अपने दोस्त की मंगनी में जाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ वो क्लब चला गया था और क्लब में देर हो गई थी। रात को जब मैं लौट कर आ रहा था तो मैंने उसकी गाड़ी अमेर रोड के बाहर देखी। बरखा की गाड़ी, बरखा ने मुझसे झूठ कहा था, वो किसी आदमी के साथ थी, पर उसका चेहरा मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। मैं टेंशन में आ गया था, सोचा जाके उसे कन्फर्म करूं, लेकिन फिर सोचा एक और तरीका है सच तक पहुंचने का। बीवी का पीछा करना है, मंगेतर का हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ है तो मुझे प्रूफ चाहिए, समझे। मिल जाएगा सर जी, फुल प्रूफ मिल जाएगा, भगवान करे आपका शक झूठा निकले। क्या है कि टूटते हुए रिश्तों को देखने से मुझे बहुत दर्द होता है। और फिर उसके ठीक 3 दिन बाद सॉरी सर, आपका शक सही निकला। क्या नाम है उसका? बरखा, सॉरी जगदीश खुल्लर नाम है उसका। जगदीश खुल्लर जी, बहुत बड़ा आदमी है, इस शहर का डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर है, बिल्डिंग के सारे प्रोजेक्ट्स वही करवाता। रहता कहाँ है? अपने अमर रोड पे गोलीमार मैदान के पास उसका बंगला है, C-35। सर ये फोटो। सर तूने खुल्लर के घर का पता क्यों मांगा था? गया था तू वहां? हाँ मैंने सोचा था कि खुल्लर की खैर ले लूं, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे अकल आई कि पहले मुझे बरखा को कन्फर्म करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। पिक अप द फोन बरखा, कम ऑन कम ऑन, पिक अप द फोन, पिक अप द फोन, पिक अप द फोन बरखा। फिर उस रात मैं अपने दोस्त राहुल के घर चला गया, उसे बरखा के धोखेबाजी के बारे में बताने के लिए। बस कर यार गोल्डी, बस कैसे करूं, मुझे धोखा दिया उसने, मुझे जान से मार दूंगा उसे मैं। और क्या मिलेगा उससे? मैं तो कहता हूं कि तू बहुत लकी है, शादी से पहले ये सब पता चला। छोड़ दे बरखा। छोड़ कैसे दूं यार, छोड़ कैसे दूं, उल्लू का पट्टा समझा क्या मुझे? अभिनव शेखावत नाम है मेरा, कोई भी मुझे धोखा देकर नहीं जा सकता है, और उस खुल्लर उस कमिश्नर की तो मैं जान ले लूंगा। गोल्डी सुन तो, क्या खबर देनी है? आप कहां हो सर जी? क्यों? पुलिस आपको ढूंढ रही है। अभी थोड़ी देर पहले जगदीश खुल्लर को किसी ने गोली मार दी, वहां आपके खिलाफ सबूत भी मिले।
क्या हुआ गोल्डी? क्या हुआ गोल्डी? कूलर। क्या हुआ कूलर को? पापा पुलिस ढूंढ रही है हमें। यू इडियट, क्या जरूरत थी उस आदमी के घर पे जाने की? तुझे पता है ना मेरा और उसका। खैर अब सुन, तू कहाँ है? राहिल के घर पे। तो ठीक है भैया, से निकल और अजमेर पहुंच जा, शुक्ला जी के गेस्ट हाउस में। और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू वहां है जब तक मैं ये मामला सुलझा नहीं लेता। और तू अजमेर जाने के लिए निकला है वो भी किसी को पता ना चले, ठीक है? मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर दिल्ली से अजमेर, अजमेर से जयपुर, जयपुर से उदयपुर, बस भागता रहा, छिपता रहा इस डर से कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। मुझे नहीं भागना था लेकिन पापा के कहने पे मैं भाग गया। अब तो केस बिगड़ गया ना भैया, सब यही सोच रहे कि मैं खून करके भागूं। भैया प्लीज मुझे बता दीजिए, सेव मी प्लीज, क्योंकि सिर्फ आप ही जो मुझे बचा सकते हैं। और बचपन से आप ही ने मुझे बचाया। याद है स्कूल में एक बार प्रिंसिपल ने मुझे पनिश किया था इस इल्जाम में कि मैंने वॉल पे कुछ लिखा था, और तब आपने मुझे बचाया था ये साबित करके कि वो लिखावट मेरी नहीं थी। भैया मैं तब भी निर्दोष था और आज भी निर्दोष हूं। माँ की सपन, डोंट वरी, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। एक बात बता, फोरेंसिक्स के अनुसार कुल्लर की हत्या 9 बजे हुई। 9 बजे तू अपने दोस्त के साथ था ना, क्या नाम उसका? राहिल खान। 9 से तकरीबन 11 बजे तक मैं वहीं था भैया। श्योर? गवाही की जरूरत पड़ेगी। वरुण जितनी जल्द हो सके जयपुर आ जा। जी सर। क्या अभिनव का कहना कि उस रात वो मेरे घर पे था? I'm sorry, पर ये झूठ है। उस रात मैं घर पे अकेले था। In fact, अभिनव आया था लेकिन शाम को 6 बजे के करीब, और 8 बजे तक तो वो निकल गया था। 8 बजे? पक्का 8 बजे? क्योंकि जगदीश खुलर का मर्डर 9 बजे हुआ था। जी हाँ 8 बजे। पर अभिनव तो कुछ और ही कह रहा है। देखिए मैं मानता हूं अभिनव मेरा दोस्त है, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे बचाने के लिए अपने आप को फंसा दूं। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। उस रात जब साहब की हत्या हुई हम बाहर गेट पर ही थे। और घर के अंदर कौन था? तुम्हारे साहब से कोई मिलने आया था? जी साहब से मिलने एक आदमी आया था। कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारे साहब ने बुलाया। देख रहे हो मामला 1 करोड़ का है, समझे कि नहीं? चलो पिछड़ो। इतने जोर से धक्का मारा साहब कि हमारा हाथ कट गया। अब तो ये कोई बेवकूफ भी देख के बता सकता है कि हमारे साहब को उसी लड़के ने मारा। अदालत में छोड़ेंगे नहीं उसे, सच 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 कहेंगे, गया वो लड़का। थैंक्स।
जानती है ये सब क्या हो रहा है। मैं और अभिनव तो 3 महीने में शादी करने वाले थे और फिर ये सब आपको जगदीश कुल्लर को मिलने से पहले सोचना चाहिए था। पर मैं जगदीश कुल्लर को नहीं जानती, मैं उसे कभी मिली भी नहीं। बरखा जी, अभिनव ने एक जासूस रखा था लश्कर सिंह। लश्कर सिंह ने यह कथन दिया है कि उसने एक नहीं अनेक बार आपको और कुल्लर साहब को साथ में देखा है। केवल इतना ही नहीं, आप दोनों की कई तस्वीरें भी ली थी उसने, जो अभिनव को दिखाई है। झूठ बोल रहा है लश्कर सिंह, मेरा कोई रिश्ता नहीं है जगदीश कुल्लर के साथ। और पता नहीं अभिनव उसकी बात पर विश्वास भी क्यों कर रहा है। मैंने सच में आज तक कभी अभिनव को धोखा नहीं दिया। बहुत गड़बड़ वाली बात है, दोनों का कथन उल्टा ही है। बरखा कह रही है कि वो कभी खुल्लर से मिली नहीं, और राहिल कह रहा है कि उस रात मेरा भाई उसके साथ था नहीं। इस तरह दोनों आपके भाई को झूठा साबित कर देंगे अदालत में। ऊपर से जगदीश खुल्लर का वो सिक्योरिटी गार्ड वो जागर सिंह, उसने तो अभिनव को आते हुए भी देखा है अंदर। फिर इस केस में उसकी गवाही मेन है। समझ में आ रहा है कि डिफेंस लॉयर गुंडेचा ने क्यों अपने हाथ धो लिए इस केस से। गुड्डू। जी माँ। आ गया तू? जी माँ। सारे गवाह सारे सबूत मेरे भाई के विरुद्ध है। वो जासूस लश्कर सिंह जिसने तस्वीरें खींची थी उसका पता चला? हाँ सर, मैं वहां गया था पर उसके ऑफिस पर ताला लगा हुआ था। कमाल है, कल केस की सुनवाई है, इतना अहम का बदलाव होता है। केस कैसा चल रहा है? चल रहा है। वो गोल्डी वापस आएगा ना जल्दी? तो चिंता मत कर, आ जाएगा। भाई ये मेरा सहायक है वरुण। नमस्ते जी। तरे लो चाय पियो। थैंक यू। बैठो। असिस्टेंट हो तो इसका ख्याल रखा करो, ये खाने पीने के बारे में इतनी बदसलूकी करता है, देखो कितना दुबला हो गया है। कौन ख्याल रखेगा मेरा? ये कैसी बातें कर रही है माँ? वैसे अगर मैं दुबला हो गया हूं तो ये क्या है फिर? इसकी टांगे देखो, माचिस की तीलियां जैसी है। Come on, sir. How's it going, पाठक? आप अपने बेटे को इस तरह कैसे बुला सकते हैं? तुम्हारे कहने पर मैंने उसे यहां बुलाया, इसलिए ये मत मानना कि मैं हर चीज तुम्हारे कहने पर ही करूंगा, समझी? सो सुना है कि अभिनव के पक्ष में गवाहों को ढूंढने में आपको दिक्कतें हो रही है। उन गवाह से कहो कि अपना मुंह खोले, चाहे उतनी रकम मैं उसमें भर सकता हूं, लेकिन अदालत में अभिनव का साथ दें। कह देना उनसे पाठक, अभिनव का वकील हूं मैं, कोई दलाल नहीं जो गवाहों के साथ सौदेबाजी करता फिरूं। अभी तक नहीं बदले, अब भी नहीं बदले। अगर ये जानते हो तो ये भी जानते होंगे कि मुझे जो चाहिए वो पाने के लिए मैं कोई भी हद तक जा सकता हूं, और इस केस में मुझे चाहिए अभिनव की रिहाई किसी भी कीमत पर, भारी मेरी या किसी और की। Have your tea. Be comfortable. एक बात हो जो, आपके फादर का सरनेम शेखावत और आपका पाठक। पाठक मेरी मां का उपनाम है वरुण, शेखावत नाम से तो मेरे पिताजी मुझे वंचित कर चुके हैं। क्यों सर? बड़ी लंबी राम कहानी है, सुनाऊंगा किस दिन। इस समय पूरा ध्यान केस पर लगाने पड़ेगा। केस में जो प्रोसिक्यूटर है
वो भी आज तक कोई केस नहीं आ रहा। परमेंद्र देसाई। मिलोर्ड, 19 जनवरी रात ठीक 9 बजे मिस्टर अभिनव शेखावत गुस्से में और नशे में चूर होकर शहर के डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर जगदीश कुल्लर के बंगलों पर पहुंचे, जिनका इनके फियोंसे के साथ अफेयर था, जिसका बदला लेने के लिए ये अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर कॉल्ड M1911 लेकर गए। उजागर सिंह, उस रात कुल्लर साहब के बंगलों के बाहर तुम ही थे और तुमने इस आदमी को उनको मारकर बाहर जाते हुए देखा। पता नहीं साहब। पता नहीं? वो क्या है ना साहब, उस समय तो मैं ड्यूटी पर ही नहीं था, मैं तो घर गया था खाना खाने के लिए। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन उजागर सिंह, तुम ही ने हमको बताया था कि तुमने इस आदमी को पहले बाहर से अंदर जाते हुए देखा और फिर अंदर से बाहर जाते हुए देखा। नहीं साहब, मैंने ऐसा नहीं बोला ना देखा, मैं तो उस समय ड्यूटी पर था ही नहीं। पता नहीं कौन घर के अंदर आया और किसने मेरे साहब को मारा। उन गवाह से कहो कि अपना मुंह खोले, चाहे उतनी रकम मैं उसमें भर सकता हूं। आफरी गो न उमरी करो। योर ऑनर, मैं मिस्टर अभिनव के दोस्त राहिल खान को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। राहिल, चुप! बोले तो इसे। हाँ तो राहिल, उस शाम अभिनव तुम्हारे साथ था, वो भी नशे में चूर, फिर उसने अपनी पिस्तल उठाई और कहा कि वो जगदीश कुल्लर के घर जा रहा है उसे मारने, यही कहा था ना? हाँ, बोलो बोलो। जी नहीं, अभिनव ने जो बयान पुलिस को दिया था वही सच है। उस रात अभिनव मेरे साथ शाम 7 बजे से तकरीबन रात 11 बजे तक था और मिस्टर खुलर की मौत 9 बजे हुई, तो जाहिर है अभिनव बेकसूर है। ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या बोल रहे हो तुम? वही जो आप सुन रहे हैं, अभिनव बेकसूर है और उसकी बेगुनाही का सबसे बड़ा गवाह मैं हूं। मिलोट, सुन, सुन चाली सुन रहे हो? जा बदू आरो को पुताना बयान, ये लोग अपना बयान बदल रहे हैं। पुलिस के सामने बांधो नहीं, बांधो नहीं, मैं साबित करके रहूंगा कि खून अभिनव ने ही किया है। मिस्टर अभिनव, इन गोलियों को तो पहचानते होंगे आप? जी नहीं। नहीं? मिस्टर अभिनव, ये दोनों 45 कैलिबर की गोलियां हैं और बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से इन्हीं गोली की वजह से मिस्टर कुल्लर की मौत हुई है और वो चली है एक कॉल्ड M1911 गन से। वैसे आपके पास भी गन है ना, वो कौन सी है? वो
वो है कॉल्ट M1911, लेकिन लाइसेंस है पापा के नाम। यानी कि वही गन? नहीं देसाई साहब, वही गन नहीं, वैसी ही गन। जयपुर में 1426 लोगों के पास उसी मेक उसी मॉडल का गन है, M1911। मिस्टर केडी, मुझे पूरा यकीन है कि वो 1426 लोगों की गन उनके पास ही होगी। वैसे आपकी गन कहाँ है? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के वक्त आपके पास मांगी थी, राइट? जी, वो मैंने कमरे में रखी थी, लेकिन खो गई। क्या? लॉस्ट इट, खो गई। खो गई? जी सुना मिस्टर केडी, खो गई। जज साहब, सुना आपने, खो गई गन। समझ में नहीं आता है कि गन है कि रुमाल, खो गई, वो भी इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद। चलो कोई बात नहीं है, एक और बात पूछता हूं। उस दिन शाम को जब आप अपने दोस्त राहिल खान के साथ थे, तब आपने कौन से कपड़े पहने थे? जी मैंने एक व्हाइट टी शर्ट और ब्लू डेनिम्स पहने थे। व्हाइट टी शर्ट, तो वो व्हाइट टी शर्ट कहाँ है? पुलिस ने आई थिंक आपके पास वो भी मांगी थी ना? जी वो भी खो गई है। ये भी खो गई? जज साहब, यानी कि मौका है वारदात से सबूत खो गए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, अभिनव की गन और उसका टी शर्ट इस केस में साक्ष्य के रूप में स्थापित नहीं हुए। कोई बात नहीं है केडी साहब, जज साहब हम कुछ और स्थापित करते हैं। मिस्टर अभिनव, ये क्या है? ये बटन पुलिस को मिस्टर कुल्लर की लाश के पास से मिला था, ये आप ही का बटन है ना? ये बटन मेरे पापा के कोट का है। पापा के कोट का? साइलेंस। मतलब तुमने अपने पापा का कोट पहना था? जी हाँ। नहीं जी नहीं। तो फिर ये बटन वहां कैसे पहुंचा? वो मैं बता सकता हूं। आपको जो कुछ कहना है कटघड़े में आकर कहिए। सर, मारो नाम राजेंद्र सिंह टोंक है, मैं भी शहर के बड़े बिल्डरों में से एक, मिस्टर शेखावत की तरफ। आप लोग शायद ना जानते हो, अभिनव से कहीं पहले मिस्टर जगदीश खुल्लर को मिस्टर शेखावत जानते हैं। दरअसल मिस्टर जगदीश खुल्लर मिस्टर शेखावत के लिए एक ऐसा जहरीला कांटा थे जिसका निकालना इनके लिए बहुत जरूरी था। अच्छा, टोंक साहब थोड़ा थोड़ा खुल के बताइए। सर, जोतवार में 400 एकड़ का एक प्लॉट इन्होंने खरीदा था गोल्फ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, पर मिस्टर जगदीश खुल्लर को उसके कागजों में कुछ गड़बड़ी नजर आई तो उन्होंने उस पर रोक लगा दी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मैं मिस्टर खुल्लर से मिलने उनके दफ्तर गया था तो मैंने देखा कि मेरे कॉम्प्लेक्स के प्लान्स पास न करने का मतलब, क्योंकि जमीन पे डिस्प्यूट चल रहा है और आपने इस जमीन को गैर कानूनी तरीके से हासिल किया है। सबूत दीजिए मुझे सबूत। करोड़ों रुपए लगे हैं मेरे इस प्रोजेक्ट के पीछे, अगर ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो जो नुकसान होगा वो मैं सह नहीं पाऊंगा। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी आप जा सकते हैं, मेरी दूसरी मीटिंग मिस्टर टोंक के साथ है। ओह, अब समझ में आ रहा है कि मेरा प्लान पास क्यों नहीं हो रहा। कट चाहिए तुम्हें? बोलो कितने पैसे दे रहा है वो तुम्हें, उससे ज्यादा भिजवा दूंगा मैं। मिस्टर शेखावत, आई सेड लीव। देखो खुल्लर, करोड़ों रुपए लगाए हैं मैंने इस प्रोजेक्ट में, और ये प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पे होके रहेगा। मेरे होते हुए ये प्रोजेक्ट कभी नहीं बन सकता। ठीक कह रहे हो तुम, तुम्हारे होते हुए ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अब देखना ये है कि तुम कब तक होते हो। आइए मिस्टर टोंक, बैठिए।
हाँ अबे बराबर समझायो। इसका मतलब ये है कि बाप और बेटे दोनों की एक ही आदमी के साथ दुश्मनी थी, है ना? जी छोड़ो आने सच, मतलब एक की पर्सनल और दूसरी की प्रोफेशनल, समझाइयो। केस बद्दो बराबर समझाई गयो। ये खून पर्सनल वजह से नहीं प्रोफेशनल वजह से खून हुआ है और इसका ये केस है, है? जी समझाई जैसे बापा, बद्दू बराबर समझाई जैसे। योर ऑनर क्या है कि वो बरखा को इधर बुलाऊंगा ना, ये जो अभिनव की मंगेतर है, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बुलाऊं? इजाजत है। हाँ तो बरखा जी, आपके पति का सॉरी आपके मंगेतर ने, देखो वैसे बुरा नहीं लगाने का, लेकिन उनका कहना ये है कि आपके और मिस्टर जगदीश के बीच में कुछ ऐसा चल रहा था, तो क्या बात सच्ची है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं। मैं जगदीश कुल्लर को जानती नहीं हूँ, मैं आज तक कभी मिली नहीं हूँ और देखा भी नहीं है उन्हें। झूठ बोली है, मेरे पास सबूत है। कहाँ है? कहाँ है सबूत, कहाँ है, दिखाओ। बरखा पर नजर रखने के लिए मैंने एक जासूस हायर किया था, लश्कर सिंह। उसने खुल्लर और बरखा की कई सारी तस्वीरें खींची है। अच्छा तो ये लश्कर सिंह कहाँ है? भाई अब ये मत बोलना कि वो भी गन और टी शर्ट की तरह गायब हो गया है। ऑर्डर ऑर्डर। वो आपके प्रांत में क्या बोलते हैं देसाई साहब, जरा शांति रखो ना। तस्वीरें कहाँ है? वो तस्वीरें वो मेरे पास नहीं है, लश्कर सिंह के पास है। लेकिन लश्कर सिंह गायब है, लापता है। क्या तुम्हें याद है कि कौन से दिनांक पर ये चित्र लिए गए थे? अच्छी तरह से याद है। 9th, 10th और 11th January जब बरखा ने मुझसे झूठ बोला था कि वो अपने अंकल से मिलने गई थी आगरा, बट द फैक्ट इज वो यही जयपुर में थी आशिक के साथ। नहीं अभिनव, उन दिनों में आगरा में ही थी। 10 तारीख को हम ताजमहल देखने गए थे, उसकी फोटो है मेरे फोन में, देखिए। अच्छा दिखाओ दिखाओ फोटो दिखाओ। हाँ, ये आगरा में थी केडी साहब, देखिए देखिए केडी साहब देखिए, शी इज राइट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये अपने पूरे परिवार के साथ आगरा में थी तो उसी वक्त वो जयपुर में कैसे हो सकती है, है? तुम्हारा जासूस झूठ तो नहीं बोल रहा था? झूठ तुम्हारा भाई बोल रहा है, कोई जासूसी का केस नहीं है, कोई अफेयर नहीं है। अभिनव शेखावत की कहानी महज एक डिस्ट्रैक्शन है असल केस से। मिस्टर जगदीश कुल्लर के साथ तुम्हारे भाई का नहीं, तुम्हारे पिता का बैर था। बैर था इनका वो 400 करोड़ की जमीन के लिए। मिस्टर देसाई, आप टोंग के कथन के आधार पर मिस्टर शेखावत को इस केस में नहीं घसीट सकते। अच्छा तो इस बटन के बूते पर तो मैं जोड़ सकता हूं ना। दरअसल इस केस में मिस्टर अभिनव सिर्फ एक मोहरा है, असली बादशाह तो मिस्टर करणवीर शेखावत है। करप्ट एनिवल मैन जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मिस्टर देसाई, आपके इन लांछनों का कोई प्रमाण है आपके पास? आप कब से मिस्टर शेखावत के भ्रष्टाचार से अनजान बनने लगे मिस्टर पाठक? क्योंकि ये आपके पिता हैं? साइलेंस। ये अदालत है और अदालत में मेरे लिए कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं, केवल मुवक्किल है। अदालत? तो मिस्टर केडी पाठक, मैं आपको याद दिला दूं कि तकरीबन 12 साल पहले अपनी करियर का सबसे बड़ा और पहला केस आपने इसी अदालत में लड़ा था, याद है ना आपको? अच्छा अब ये बताइए कि वो कौन सा केस था? देखिए देसाई साहब, उस केस का इस केस से कोई संबंध नहीं। संबंध क्यों नहीं है केडी साहब, बिल्कुल संबंध है। अब ये बताइए कि किसके विरुद्ध केस था ये, बताइए बताइए। मिस्टर करणवीर शेखावत के विरुद्ध। मिस्टर केडी पाठक, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा केस, वो भी अपने बाप के विरुद्ध? हाँ
क्यों बताइए ना क्यों? अगर आप कतरा रहे तो मैं बता दूं। राजस्थान का सबसे सेंसेशनल केस, जो एक बेटा अपने पिता के भ्रष्टाचार से पर्दा हटाने के लिए लड़ रहा था, जो उन्होंने किया केस जीतकर। उस वक्त वो आदमी तुम्हारे लिए भ्रष्ट था, तो आज ही अचानक धर्मात्मा कैसे बन गया मिस्टर केडी पाठक? क्यों, घंटी बज गई? कोर्ट इज अजर्न्ड। तकरीबन 12 साल पहले मिस्टर केडी पाठक अपनी जिंदगी का इतना बड़ा केस, वो भी अपने बाप के विरुद्ध, राजस्थान का सबसे सेंसेशनल केस, जो एक बेटा अपने पिता के भ्रष्टाचार से पर्दा हटाने के लिए लड़ रहा था, उस वक्त वो आदमी तुम्हारे लिए भ्रष्ट था, तो आज ही अचानक धर्मात्मा कैसे बन गया मिस्टर केडी पाठक? क्या सोचा था तुमने? बारह साल पहले जो कीचड़ तुमने मुझ पे उछाला था, उसके दाग धुल गए होंगे। नहीं मिस्टर केडी पाठक, वो कीचड़ आज भी मुझ पे उछाला जा रहा है। तुम्हारी उस भूल ने आज फिर से मेरा सर झुका दिया इस अदालत में। भूल मेरी नहीं, आपकी थी, और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। चलो मान लेते हैं कि उस केस में दोष मेरा था दोष मेरा, लेकिन इस केस में नहीं। इस केस में भी दोषी आप ही हैं। अच्छा, वो कैसे? राहिल और उजागर ने अपना बयान किसके कहने पर बदला? आपके दोष देने पर, आपके रुपए की लालच से। हाँ, मैंने पैसे दिए थे उनका बयान बदलने के लिए, लेकिन वो रिश्वत दी गई थी सच बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए नहीं। सच? हाँ सच, वो सच कि तुम्हारा भाई निर्दोष है। नहीं किया खून उसने उस खुल्लर का, लेकिन अब भी अगर तुम्हें अपने खून से ज्यादा औरों पे भरोसा है तो छोड़ दो ये केस। मैं ये केस नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपनी मां को वचन दिया है कि अपने भाई को निर्दोष साबित करके उसे घर लेकर जाऊंगा। सुबीट मिस्टर पाठक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.